अध्याय तीन। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पत्रस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में, जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पत्रस ने लोगों से कहा, हे इसराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इंकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, इन्हें उसने इस रीति से पूरी की। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वो उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और सामुएल से लेकर इसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे।